की कहानी उबासी की सजा। एक दिन तेनाली राम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती है। रानी का संदेश पाकर तेनाली राम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनाली राम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनाली राम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनाली राम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल ना करें और मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनाली राम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनाली राम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे और तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनाली राम से कहा, तब से कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती ना होते हुए भी महाराज से माफी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनाली राम। तेनाली राम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझा कर तेनाली राम दरबार जा पहुंचे। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनाली राम ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ जाएगी। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनाली राम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनाली राम? तेनाली राम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनाली राम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी न आई हो? तेनाली राम ने कहा, ओह, मुझे माफ करें महाराज, मुझे नहीं पता था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझती है कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को भी यह बात बताता हूँ। तेनाली राम की बात सुनकर पूरी बात महाराज की समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनाली राम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उनके साथ सभी शिकायतों को दूर कर दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए।